members, please, please go back to your chairs. We will commence with the question hour. It's a very important, this is a point of time. There are many issues that are to be discussed of national importance, honourable members. There are many aspects, many issues. You want to raise issues of public importance, question hour is the time. There are many questions that have been listed here on the question hour. I again request you, please go back to your places, please go back to your seats. Let us recommence, let us start the question hour. The honourable ministers are here, you have your questions. We can have discussions. Whatever are issues of the country can be taken up in the question hour. Honourable members, again I'm requesting you, this is not the way. Please go back to your seat. Let us start the question hour. There are issues that you want to raise. You can raise them in the question hour. Many important questions are being listed here. I request all of you to go back to your seats. Please withdraw from the well. Let us start the question hour, please. Honourable members, I'm again requesting you, please withdraw from the well. Question hour is an important. तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं और राज्यसभा का हाउस एडजर्न कर दिया गया, स्थगित कर लिया गया है सोमवार तक के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा था अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर, जिस तरीके से हंगामा किया गया, जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति पर जो विवादित बयान दिया, और अब ये आप लोकसभा की तस्वीर देख रहे हैं, इससे पहले आपने राज्यसभा की तस्वीर देखी। लगातार समझाया गया, सभी मेंबर्स से कहा गया कि हंगामा न किया जाए, क्वेश्चन आवर में अपने सवालों को खड़ा किया जाए, लेकिन बावजूद इसके राज्यसभा के मेंबर्स हंगामा कुछ करते रहे हैं, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही अब स्थगित कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है और सोमवार तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया जा रहा है। जिस तरीके से अधीर रंजन को लेकर कहा गया कि वो माफी मांगे, राष्ट्रपति पर जो बयान दिया गया, उसके बाद दोनों ही सदनों में हमने हंगामा देखा और अब राज्यसभा की कार्यवाही। जिसके बाद अब राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। हालांकि कुछ ऐसा ही हंगामा लोकसभा में भी देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा कैसे सोनिया गांधी को लेकर भी हंगामा किया गया, कैसे स्मृति ईरानी ने लगातार ये कहा कि जो बयान अधीर रंजन की ओर से दिया गया, जरूरी है कि वो सभी के सामने माफी मांगे। श्री अजय टंडा जी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के कल्याण समिति समिति की 21 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक अगाती, कोची, कुर्ग और बेंगलोर के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। संसदीय स्थायी समिति का 317वां सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। श्री अंजुराम मेघवाल जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, विथ योर परमिशन आई वांट टू मेक ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑब्जर्वेशन कंटेंट इन द 315th रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन टूरिज्म। I want to make the following statement regarding the status of implementation of the recommendation observation content in 9th report of the standing committee on chemical and fertilizer on action taken by the government on the recommendation observation content in the second report of the committee on demand for grant 2019-2022 pertaining to the Department of Chemical and Petrochemical, Ministry of Chemical and Fertilizer. Thank you.
19 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी. थैंक यू चेयरपर्सन सर. आई वांट टू मेक द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट बिजनेस फॉर द वीक कमेंसिंग द 1st अगस्त 2022. नियम 377 के अधीन मामले जिन माननीय सदस्यों के स्वीकृत हुए हैं वो कृपया सभा पटल पर अगस्त 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दोनों ही सदनों की कार्यवाही अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. अधीर रंजन के बयान को लेकर हंगामा दोनों ही सदनों में किया गया. लगातार सत्तारूढ़ की ओर से ये कहा जा रहा है कि अधीर रंजन माफी मांगे, जिसके बाद हंगामे के बाद राज्यसभा सबसे पहले स्थगित की गई. 11 बजे सोमवार को जो है कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी. और अब लोकसभा में भी जिस तरीके से हंगामा किया गया, लोकसभा की कार्यवाही भी सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दोनों ही सदनों में अधीर रंजन जो राष्ट्रपति को माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति को लेकर उनकी ओर से टिप्पणी की गई. ये तीन तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं. पहली तस्वीर, लोकसभा की कार्यवाही भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. हंगामे के चलते अधीर रंजन के बयान पर ये पूरा हंगामा किया जा रहा है. राष्ट्रपति को लेकर जो उनकी ओर से टिप्पणी की गई थी उसको लेकर यह पूरा हंगामा. और तीसरी तस्वीर, न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा अपर हाउस भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. कार्रवाई स्थगित की गई है. लगातार ये कहा जा रहा है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाए जाए, लेकिन बावजूद इसके अधीर रंजन के बयान को लेकर हंगामा बना हुआ है. उधर कांग्रेस को भी सवाल लगातार किया गया कि आखिर क्यों माफी नहीं मांगी जा रही अधीर रंजन की ओर से, जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर ये कहा. राज्यसभा लोकसभा स्थगित हो गई है. बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सोमवार तक दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को लेकर जो बयान दिया उस पर हंगामा हम देख रहे हैं. सोनिया गांधी से माफी की मांग की जा रही है. न केवल अधीर रंजन, अब सोनिया गांधी भी माफी मांगे. राज्यसभा लोकसभा स्थगित कर दी गई है. कल भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी की ओर से माफी मांगी जाने की बात सदन के अंदर कही.